बारगल सप्लाई करने वाले युवक का अपहरण कर की गई मारपीट, उल्लासनगर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। डांस बार जो चलते हैं, इन डांस बारों में बार गर्ल सप्लाई करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं में एक युवक है, उल्लासनगर का ही रहने वाला दुर्गेश वारे। दुर्गेश वारे एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी का बेटा बताया जाता है, हवलदार थे उसके पिता। अभी फिलहाल वो बार गर्ल जो है होटलों में डांस बारों में सप्लाई करता है। देवा खेड़ेकर और उसके साथी साहिल, अजय, बागुल और अन्य लोग हैं, उसके इस व्यवसाय के चलते उससे जबरन हफ्ता मांग रहे थे। हफ्ता देने से इनकार करने के बाद दुर्गेश वारे का इन लोगों ने अपहरण किया, अपहरण करके उसे बंधक बना के रखा, मारपीट की और 30,000 रुपए लेने के बाद उसे फिर रिहा किया और साथ ही पुलिस में न जाने की धमकी भी। पूरी वारदात की जानकारी खुद दुर्गेश क्या दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले में, बाल गर्ल सप्लायर के से यह हफ्ता वसूलने का जो मामला है इसमें पुलिस ने क्या धाराएं लगाई और अजय बागुल नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी दे रहे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर, सुनिए। मला देवा हा मार्च महिन्यापासून पैशाची मागणी करत होता, दर महिन्याला 50,000 रुपये मला हप्ता पाहिजे म्हणून। तर मी त्याचा फोन बिन उचलायचं बंद केलं तर मी त्याला इग्नोर करत होतो। त्यांनी त्या दिवशी पॅराडाईस हॉटेलच्या खाली मला तिथं बोलवलं, 2 मिनिटं बस आपल्याला बोलायचं म्हणून। आणि तिथून मला तो शाळेला घेऊन आला, त्यांनी त्याच्या गाडीमध्ये बसवलं आणि चिनझाडी जंगलामध्ये घेऊन गेले। चिनझाडीमध्ये त्याचे सगळे पोरं तिथं आलेले होते, तर त्यांनी माझे पाय पकडून माझ्या पायावरती हानमार मला चालू केली। मला बोलला आत्ता 1,00,000 रुपये पाहिजेत, नाहीतर तुला जीतच जीव मारण म्हणून। असं असं तिथं चाकू बिकू काढून पण धाक पण दाखवत होते मला ते। तर मी त्यांना बोललो ठीक आहे मी तुला पैसे देतो। मग तिथून मला ते उल्हासनगरला घेऊन आले, ते अजय बागुलनी पण तिथे मला मारलं। देवा खेडकर, कुणाल वसिटा होता, साहिल बेद होता आणि इतर काही बेदन पण होते, ते माझ्या ओळखीचे पण आहेत। आणि ते मला वापस उल्हासनगरला घेऊन आल्याच्या नंतर मला, मी त्यांना सांगितलं काउंटरवरती कॅशियरला का यांना 50,000 रुपये आत्ता दे म्हणून कबुली। तर काय ते बोललेले का कॅशियरकडून आम्ही घेतोत म्हणून तू जा तिथून, कॅशियरनी कबुली दिली मी देतोय म्हणून। आणि तिथून खाली उतरल्याच्या नंतर वापस मला बोलले का तू तुझ्या हाताने तुझ्या गाड्या फोडशील नाहीतर तुला वापस तिकडं जंगलात घेऊन जाईन म्हणून। मी नाही नाही बोलत होतो तरी जबरदस्ती मला कुणालनी त्याच्या गाडीवरती बाईकवरती बसवलं, ज्या हॉकीने मला तिथं मारलं तीच हॉकी माझ्या हातामध्ये दिली वापस आणि माझ्याच गाड्या माझ्याच हाताने माझ्याकडून तिथं फोडून घेतल्या आणि माझे व्हिडिओ काढले त्यांनी। आणि तिथेही मारताना चिनझाडीच्या जंगलामध्ये माझे त्यांनी व्हिडिओ काढले। या प्रकरणात तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली? हो केली, मी तक्रार केलेली आहे पोलिसांनी। अजय बागुल ह्या इसमाला अटकही केलेला आहे। नाही पोलिसांकडून तर हेच, ज्याच्यावरती असा अन्याय होईल त्याला न्याय भेटलाच पाहिजे। मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन में फिर्यादी दुर्गेश वारे, इन्होंने 12/10/23 को फिर्याद दिया था कि दिनांक 11/10/23 को रात को 11:30 बजे के बाद में, तो 12/10/23 के 4:45 बजे तक उनको देवा खेड़कर नाम के आरोपी ने पैराडाइज होटल के पास से गाड़ी में लेके गया था। वहाँ से शार होते हुए उन्होंने काम्बा से 5वां महल के उधर जंगल में लेके गए, वहाँ उसको बहुत मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में वो उसको वापस यहाँ लाया, उसके उसको 30,000 रुपये देने के लिए भाग पड़ा। इसीलिए पुलिस स्टेशन में उस आरोपी के खिलाफ में 364A, 386, 324, 323, 506 भादवी के अंतर्गत गुना दाखिल किया है। आगे की जांच जारी है, उसमें एक आरोपी अजय बागुल इसको अरेस्ट किया हुआ है और उसका PCR लिया है। आगे की जांच API 500 कर रहे हैं।